for more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. जान फूकूंगा तो मतलब जान ही नहीं बचेगी मेरी तो. इस फिल्म में ये है कि लाइक जैसे नाम से ही पता चलता है बाबू मोशाय बंदूकबाज, बंदूकबाज है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक वर्ल्ड है और बहुत ही लाइक शेमलेस हीरो है. कोई वैल्यूज़ नहीं उस आदमी की, पे बिलीव नहीं करता वो, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक पैशनेट लवर भी है जो प्यार करता है फुलवा को और अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे भी बहुत बिलीव करता है. इस तरह का कैरेक्टर है ही. और हाँ ये है देखिए. नवाज जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर एक्टिंग हम सब कम या ज़्यादा कर ही लेते हैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो प्रोफेशन एक्टिंग है. तो मुझे इनके एक्टिंग से ज़्यादा जो अच्छी लगी है इनकी जो स्टोरी है, अपनी स्ट्रगल की जो स्टोरी है, करीबन ये 15-20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. पता नहीं क्या क्या प्रोफेशन में काम किया, कितने सारे थिएटर्स किए, कितने प्लेस किए होंगे आपने, 100-200 ज़्यादा. हाँ, इन्होंने करीबन 5,000 इंसान को स्टडी किए. और मैं भी कई सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ, करीबन 10 साल से. मैं जब स्कूल में थी मैंने काम करना शुरू किया, तो जो स्ट्रगल मतलब जो सक्सेस मिलना चाहिए अब तक मुझे नहीं मिला है. और मैं कई फिल्में कर चुकी हूँ ज़्यादातर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के, जो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाते. तो जब इंसान के पास फिल्म ना हो, काम ना हो, पैसे ना हो, फिर भी वो किस तरीके से टिका रहे और अपने ड्रीम को पाने के लिए किस तरीके से कोशिश करे, ये सब चीज़ें ना बहुत इंस्पायर करता रहा मुझे इनकी लाइफ जो है मुझे. नवाज भाई अपने करियर में अपने हर बड़ी फिल्म अभिनेता के साथ काम किया, आपका आधार क्या रहता है? जब कोई रोल सुना जाता है आपको तो आप जो रोल चुनते हैं, हामी कब भरते हैं जब आप आश्वस्त होते हैं उस रोल के बारे में या प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में क्या रहता है, जब हामी कैसे भरते हैं आपका रोल के हिसाब से? वो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. कभी कभी ये होता है भाई कैरेक्टर सेम होता है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप वो कैरेक्टर कर चुके होते हैं, तो ये होता है. दूसरा मेरा ज़्यादातर फोकस रहता है डायरेक्टर पे, ना कि स्क्रिप्ट पे. स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, वो तो बेसिक बात है. बट मुझे कभी कभी लगता है कि अगर स्क्रिप्ट थोड़ी एवरेज है लेकिन डायरेक्टर बहुत सेंसिबल है तो उस स्क्रिप्ट को एक लेवल पे ले जा सकता है ड्यूरिंग द शूटिंग एक्चुअली. लेकिन अगर एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हो और डायरेक्टर बिल्कुल ही उस लायक है नहीं तो अच्छी खासी स्क्रिप्ट की भी बैंड बच सकती है बिकॉज ऑफ उसकी सेंसिबिलिटी वैसी है नहीं. तो मेरा फोकस ज़्यादातर डायरेक्टर पर रहता है. इसी उसमें मुझे लगता है कि सर्टिफिकेशन देना चाहिए फिल्म को. अगर एडल्ट कंटेंट है, एडल्ट फिल्म है तो उसको सर्टिफिकेट कर दो कट, फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी पे, फिल्म के रियलिज्म पे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि कैरेक्टर्स, उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका एटमॉस्फेयर है फिल्म का, वो ऐसी जगह पे पिक्चराइज किया गया, ऐसी जगह का है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं. अगर आप उन चीज़ों को कट कर दोगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, फिर वो फेक लगेगी, झूठी लगेगी वो फिल्में. तो इससे बेटर है कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग वाली फिल्म बनाइए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा. अगर आप इस तरह की रियलिस्टिक फिल्मों पर या इस तरह की फिल्म या ऐसे कंटेंट पर कैची चलेंगी तो फिर कंप्रोमाइजिंग वाली फिल्म हो जाएंगी, लाइक जो होती हैं लाइक प्यार मोहब्बत वाली फिल्में, जो फेक फिल्में होती हैं उस तरह की बनने लगेंगी. लेकिन अगर आपको टॉपिक ओरिएंटेड या रियलिस्टिक फिल्में, ऑथेंटिक फिल्में, लोकल फिल्में बनानी है तो उस पर थोड़ा सा ऐसे ज्यादती नहीं होनी चाहिए. ऑटोबायोग्राफी भी आ रहा है आपके लाइफ पे, कब तक मतलब पढ़ने को मिलेगा और क्या है इस ऑटोबायोग्राफी में खास? नहीं, मेरा बायोग्राफी नहीं है, वो मेमोर है. हाँ, वो अगले साल आ जाएगा मार्केट में और या इस साल के एंड में आ रहा. तो वो मेमोर है जहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई थी, मेरे गांव से, जब मैं खेती बाड़ी करता था. वो खैर वो तभी भी करता हूँ, बट वो वहाँ तक है बॉम्बे आने तक, गैंग्स ऑफ वासेपुर मिलने तक ख़त्म हो जाती है वो मेमोर. तो उसके बीच में बहुत सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए थे
तो उन सब के बारे में। इस वक्त ये मेरी करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है क्योंकि मेरी कोई भी फिल्म इतनी बड़े तरीके से रिलीज़ नहीं हुई या कंट्रोवर्सी में नहीं आई और मेरे साथ नवाजुद्दीन जी भी नहीं थे इनसे पहले कोई भी फिल्म। इसलिए चूँकि मैं हूँ इसलिए आ गई मेरी फिल्मों पे अक्सर आती है कंट्रोवर्सी कैंचियाँ चलती हैं। एक अच्छी बात हो गई कि नवाज जी हैं और इनके साथ, क्योंकि इनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग है और आई होप इन्हें जब जो लोग देखने आए साथ में मुझे भी देख लें तो उनके भी कुछ फैंस मुझे भी फॉलो करेंगे, आई एम होपफुल। और मेरी जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, मैं फुलवा की किरदार निभा रही हूँ। फुलवा एक मोची है। इंडियन फिल्म हिस्ट्री में कभी भी आपको कोई फीमेल मोची देखने को नहीं मिला है जो इतनी हॉट है। और मैं इस फिल्म में टाके लगाने के 5 रुपये लेती हूँ और मैं बहुत शातिर हूँ, बिजनेस माइंडेड हूँ। कोई मुझे ताड़े तो उसके लिए मैं 20 रुपये चार्ज करती हूँ और बाबू से बेहद प्यार करती हूँ, बहुत पैशनेट हूँ, थोड़ी मैनिपुलेटिव हूँ, ऐसा हटके सा कैरेक्टर है मेरा। आपसे जानना चाहूँगा फिल्म की कामयाबी नाकामी कितना प्रभावित करती है आपको और आप क्या समझते हैं कि कामयाबी आपके लिए क्या होती है बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस कामयाबी मतलब ये होता है कि 100 करोड़ का बिजनेस करे फिल्म, आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है? देखिए, अगर 100 करोड़ का बिजनेस कोई क्राइटेरिया नहीं होता, 55 करोड़ का भी कर सकती है पिक्चर कोई, है ना, बजट के ऊपर डिपेंड करती है। अक्सर क्या होता है कि जैसे 5 करोड़ की कोई पिक्चर है तो उससे भी आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 100 करोड़ होगी तभी वो हिट होगी। वो 5 करोड़ की पिक्चर है तो 15 करोड़ में भी हिट हो जाती है वो फिल्म, 15 करोड़ अगर आ गए उसके तो प्रॉफिट हो जाता है उसको। खैर, ये तो सब बॉक्स ऑफिस की चीज़ें हैं, ये तो हमें, खैर एक्टर को इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये प्रोड्यूसर का काम होता है। हाँ, अगर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एक्टर को अच्छा ही लगता है कि भाई उसका काम लोग ज़्यादातर लोगों के बीच में जा रहा है। तो ये बॉक्स ऑफिस वाला चक्कर जो है ये आई थिंक एक्टर को नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक्टर को अपनी क्रिएटिविटी पे या अपने काम पे, इस पे ही फोकस रखना चाहिए। और फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो उसका जिम्मेदारी सिर्फ एक्टर के कंधे पे ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म में प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, 100 लोग और काम करते हैं फिल्म में। तो फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो सिर्फ एक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, सबको वो जिम्मेदारी शेयर कर लेना चाहिए। मैं तो बस अभी फ़िलहाल 25 तक बाबू मोशाय के साथ हूँ और उसके बाद मेरी एक मंटो रिलीज़ होगी, आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर होगी। मैं दया बाई पे एक बायोग्राफी कर रही हूँ। दया बाई एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो केरला से हैं पर पिछले 30 साल से मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम कर रही हैं। तो आई एम प्लेइंग दया बाई इन दैट फिल्म। और एक मैं फीमेल गैंगस्टर फिल्म पे काम कर रही हूँ, मैं फीमेल गैंगस्टर बनी हूँ जो मराठी लड़की है। और ये दोनों स्टोरी बहुत रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक वे में शूट किया गया है। नवाज सर, एक आखिरी सवाल है कि आप इंडस्ट्री से बाहर के हैं तो नेपोटिज्म के बारे में काफ़ी डिबेट होती, तो आप क्या सोचते हैं कि ये डिबेट आपके लिए कितने मायने रखते हैं? ये डिबेट डिबेट तो कोई डिबेट का क्या बोलूँ, जो लगातार है कि जो फैमिली सपोर्ट मिलता है और जो बाहरी लोग लेते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, फिल्म नहीं मिलती, तो आप कैसे देखते हैं नेपोटिज्म? देखिए, क्या है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी सक्सेसफुल हो पाते हैं, कभी उनमें से बहुत रह जाते हैं। और मेरा तो सिर्फ यही कंसर्न है कि जो टैलेंट है वो निकल के आना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री से हो चाहे बाहर से हो, है ना, टैलेंट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, वो है। डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको न्यूज़ पता चलेगी, अभी फिलहाल बातें हो रही हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा लगता है ना खेलना, निकालना ना, हाँ ऐसा लगता है सारे निकाल दूँ। डन, थैंक यू, थैंक यू।